फिल्म की शुरुआत एक लड़की से होती है जिसका नाम एलोनर है, जो कि असल में एक वैम्पायर होती है। उसके वैम्पायर होने के बाद उसे बाकी सब लोगों से चुपके रखना होता है, लेकिन वो अपनी कहानी को कुछ पन्नों में लिखकर उन्हें हवा में उड़ा देती है। फिर एक दिन उसका ये पन्ना रॉबर्ट नाम के एक बूढ़े आदमी को मिल जाता है, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि एलेनर एक वैम्पायर है। रॉबर्ट दरअसल काफी बूढ़ा हो चुका था और अब वो और जीना नहीं चाहता था, इसलिए वो कैसे तो एलेनर को अपने रूम में इनवाइट करता है, जहां एलेनर उसका खून पीकर उसे मार देती है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेनर की माँ क्लेरा को देखते हैं, जो खुद भी एक वैम्पायर है और पैसे कमाने के लिए एक बार में नाचती है। फिर बार में एक अनजान आदमी क्लेरा को ढूंढते हुए उस तक पहुंच जाता है और क्लेरा उसे देख वहां से भागने लगती है, लेकिन वो उसे अंत में पकड़ लेता है और उसे एलेनर के पास चलने के लिए धमकी देता है। पर क्लेरा चालाकी से उसे अपने रूम में ले जाती है और एक तार से उसका गला काटकर उसे मार देती है और फिर उसकी लाश को आग लगा के अपने बेटी एलेनर के साथ वहां से भाग जाती है। अब आगे हम देखते हैं कि क्लेरा और एलेनर समुद्र के पास बने एक छोटे से शहर में पहुंचते हैं और यहाँ पहुंचकर एलेनर को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। फिर उसकी माँ उसे घूमने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है और वहीं एलेनर एक होटल में जाकर पियानो बजाने लगती है, जिसको सुनकर होटल का एक वेटर फ्रैंक एलेनर को मन ही मन पसंद करने लगता है, लेकिन एलेनर उससे दूर चली जाती है। दूसरी तरफ हम क्लेरा को अब देखते हैं, जिसकी मुलाकात एक नोएल नाम के आदमी से होती है, जिसका इस गांव में एक होटल है जिसका नाम बीजेंटियम है। क्लेरा अब नोएल को अपना बॉयफ्रेंड बना लेती है और उसे इस बात के लिए मना लेती है कि वो उसे और एलेनर को अपने होटल में रहने दे। वो अब नोएल को झूठ कहकर कि एलेनर उसकी छोटी बहन है, वो अब दोनों नोएल के होटल में जाकर रहने लगते हैं। आगे फिर हम एलेनर का भूतकाल देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वो पहले एक साधारण इंसान थी, लेकिन उसे वैम्पायर बना दिया गया और जब वो 16 साल की हुई तब एक आदमी ने उसका बलात्कार किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुछ खास लोग उस आदमी की जांच पड़ताल कर रहे होते हैं, जिसे क्लेरा ने गला काट के मार दिया था। क्लेरा ने एलेनर को अपने वैम्पायर होने वाला बात किसी को बताने से मना किया था, लेकिन फिर भी एलेनर वो बात खुद तक नहीं रख पाती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि 200 साल पहले क्लेरा अनाथ थी और दो ऑफिसर्स जिनके नाम थे ड्रेवेल और रुतवेन, रुतवेन ने क्लेरा को गिफ्ट देने के बहाने उसे प्रोस्टिट्यूशन में फेंक दिया, जहां अंत में वो प्रोस्टिट्यूट बन गई। फिर कुछ समय बाद क्लेरा को एक बच्चा हुआ, लेकिन उसे कहा गया कि वो उसे पाल नहीं सकती और उसे इस बच्चे को मारना होगा, पर क्लेरा ने ऐसा नहीं किया और चुपके से उस बच्चे को एक अनाथालय के बाहर दरवाजे पर छोड़ के आ गई, जो बच्ची एलेनर ही थी। और हर रात क्लेरा सबसे छिपके अपनी बेटी को देखने आती थी। वो अनाथालय उसी गांव में है, इसलिए एलेनर को वो जगह पहचानी सी लग रही थी। पर अब वर्तमान में एलेनर का उस वेटर फ्रैंक के साथ दुर्घटना हो जाता है, जिससे उसके हाथ में खून बहने लगता है और एलेनर उसे उसके घर ले जाती है, जहाँ से उसके माता पिता उसे अस्पताल ले जाते हैं। दूसरी तरफ क्लेरा अकेले लोगों को देखकर उनका खून पीकर उन्हें मार रही थी। फिर अगले दिन एलेनर फ्रैंक को देखने अस्पताल जाती है, जहां उसे अकेला देख एलेनर सोचती है कि वो उसका खून पीकर उसे मार देगी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। फिर उसकी माँ से उसे पता चलता है कि फ्रैंक को ल्यूकेमिया कैंसर है, जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा खून बह रहा था। एलेनर सिर्फ बूढ़े और बीमार लोगों का खून पीती है, क्योंकि अब उनकी उम्र ज्यादा नहीं रहती और वो खुद भी जिंदगी से मुक्त होना चाहती है। और वही एलेनर को अपनी माँ क्लेरा के काम करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं होता, इसलिए उनमें ज्यादातर झगड़े होते रहते हैं। वो अब एक कॉलेज ज्वाइन करती है जिसमें फ्रैंक भी होता है और उनका टीचर उन्हें होमवर्क देते हुए कहता है कि उन्हें अपनी बिताई जिंदगी पर एक किताब लिखनी है। इसी बीच हमें एलेनर से ये भी पता चलता है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ एक खिड़की से उसे देखने आया करती थी, जिसे देखकर एलेनर काफी डर जाती थी, क्योंकि अनाथालय वालों ने उसे बताया होता है कि उसकी माँ मर चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रैंक एलेनर में अपनी रुचि जता रहा था, लेकिन एलेनर मना कर देती है और कहती कि वो साथ नहीं रह सकते, क्योंकि ये उसके लिए खतरनाक हो सकता है। आगे एलेनर अपनी माँ की कहानी को जारी रखते हुए कहती है कि
जब वो 6 साल की थी तब क्लैरा को टीबी की बीमारी हो गई थी जिससे उसके मुंह से खून आना शुरू हो चुका था और वो जान चुकी थी कि वो जल्दी मर जाएगी। और वहीं रुथविन भी जंग से वापस आ चुका था और फिर कुछ दिनों बाद एक अनजान आदमी क्लैरा से मिलने आया था जो कि कोई और नहीं बल्कि डेरवेल ही था और अभी भी उतना ही जवान था जितना क्लैरा ने उसको पहली बार देखा था। डेरवेल दरअसल काफी अमीर था लेकिन उसका कोई वारिस ना होने के कारण रुथविन की नजर उसकी दौलत पर पड़ गई और वो डेरवेल के मरने का इंतजार करने लगा। फिर एक दिन कुछ लोग डेरवेल से मिलने आते हैं और उसे एक नक्शा देकर कहा कि इस जगह पे डेरवेल की बीमारी का इलाज हो सकता है। अब उस नक्शे के जरिए डेरवेल एक आइलैंड पर जा पहुंचता है जहां पर एक जादुई मंदिर था और रुथविन भी उसके साथ गया था। डेरवेल फिर रुथविन को पानी लाने भेज अकेले उस मंदिर के अंदर चला गया जहां प्रवेश करते ही उस मंदिर से काफी सारे कौवे निकले और पहाड़ से बह रहा हुआ पानी खून में बदल गया। फिर जब रुथविन मंदिर के अंदर गया तो उसने देखा कि डेरवेल की मौत हो चुकी जिसे देखकर वो काफी डर गया और फिर वहां से वापस आ गया और उसकी दौलत पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब डेरवेल काफी सालों बाद वापस आ जाता है और बिल्कुल ठीक भी होता है। डेरवेल दरअसल असल में उस आइलैंड पर वैम्पायर बन गया था और अब वो अमर हो चुका है जो सारी कहानी किताब में लिखकर एलेनर फ्रैंक को दे देती है जिसे पढ़ने के बाद फ्रैंक को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि एलेनर और उसकी माँ वैम्पायर हैं। वो फिर एलेनर से कहता है कि उन्हें एक असल कहानी पर किताब लिखनी चाहिए जहाँ फिर एलेनर उसे ये कहकर चली जाती है कि ये कहानी बिल्कुल सच है और वो उसने सिर्फ उसके लिए लिखी है। लेकिन फिर भी उसे एलेनर पर यकीन नहीं था इसलिए वो उस किताब को अपने टीचर केविन को दे देता है जिसे पढ़ने के बाद उन्हें ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आती है। अब आगे एलेनर अपनी कहानी को जारी रखते हुए कहती है कि उस दिन डेरवेल रुथविन को नक्शा देने आया था ताकि वो भी उस आइलैंड पर जाके वैम्पायर बन सके लेकिन क्लैरा उस नक्शे को रुथविन से चुरा लेती है और उस आइलैंड पर जाकर एक वैम्पायर बन जाती है। पर डेरवेल उसे पकड़ लेता है और ब्रदरहुड के बाकी वैम्पायर्स के पास ले जाता है। अब यहाँ हम देखते कि ब्रदरहुड के सारे वैम्पायर्स मेल थे और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक प्रोस्टिट्यूट औरत वैम्पायर बन गई है। वो फिर उसे एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि अगर उसने उस आइलैंड का राज या फिर अपने वैम्पायर होने की बात किसी को बताई तो वो उसे मार देंगे। दूसरी तरफ हम रुथविन को देखते हैं जो क्लैरा से बदला लेने के लिए अनाथालय जाके एलेनर का बलात्कार करने लगता है लेकिन क्लैरा वहां आके रुथविन को जान से ही मार डालती है। पर एलेनर की हालत अब काफी खराब हो जाती है इसलिए क्लैरा उसे भी एक वैम्पायर में बदल देती है और उस वैम्पायर रूल को तोड़ देती है। इसलिए तभी से बाकी वैम्पायर इन दोनों को ढूंढ रहे हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एलेनर को जो फ्रैंक से काफी नाराज होती है क्योंकि उसने वो किताब जिसमें उसने अपनी कहानी लिखी थी उसे अपने टीचर को दे दी थी और कई लोग उसके बारे में जान गए लेकिन वो फ्रैंक को पसंद करती है और उसे एक वैम्पायर बनाने का सोचती है क्योंकि उसे ल्यूकेमिया कैंसर है और वहीं आज फ्रैंक का जन्मदिन है और उसने एलेनर को इनवाइट भी किया था। एलेनर फिर तोहफे में उसे उस आइलैंड का नक्शा देती है जहां जाके वो वैम्पायर बनी थी। दूसरी तरफ हम क्लैरा को देखते हैं जिसे कॉलेज में बुलाया होता है और अब ये पता चलने पर कि एलेनर ने फ्रैंक और उनके टीचर को अपने वैम्पायर होने का राज बता दिया है वो उस टीचर का ही खून पीकर उसे मार देती है। इसके बाद अब वो घर जाकर एलेनर को काफी डांटती है और उसे कहती है कि फ्रैंक को भी मारना होगा क्योंकि उसे भी उनका सीक्रेट पता है। और फिर एलेनर अब अपना सामान बांधकर घर छोड़कर जाने लगती है जिसे रोकने के लिए क्लैरा भी उसके पीछे जाती है और नोएल के भी रोकने की कोशिश में वो सीधे लिफ्ट के नीचे गिरकर मारा जाता है। अब लिफ्ट बंद होने के कारण एलेनर उसी में बंद हो जाती है और क्लैरा फ्रैंक को मारने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम उन ऑफिसर्स को देखते हैं जो एलेनर के कॉलेज पहुंचकर उसके टीचर केविन की लाश को देखते हैं जिसे क्लैरा ने मारा था और खुद को पुलिस ऑफिसर बता के वहां से एलेनर का पता ले लेते हैं। अब यहाँ एलेनर नोएल के फोन से फ्रैंक को कॉल करके उसे चेतावनी देने की कोशिश करती है लेकिन उसकी माँ क्लैरा पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और तभी वो ऑफिसर्स भी एलेनर तक पहुंच जाते हैं और उसे लिफ्ट से बाहर निकाल कर ले जाने लगते हैं।
क्लेरा फोन पर ये सब सुन लेती है और उसे पता लगने पर कि उन वैम्पायर्स ने एलेनर को भी पकड़ लिया है, तो वो फ्रैंक को छोड़कर एलेनर को बचाने के लिए भागती है। इधर हम एलेनर को देखते हैं जो उन वैम्पायर्स के कब्जे में होती है, जिसके साथ उसकी टीचर मोराक भी होती है, क्योंकि मोराक को भी सब पता चल चुका था। एलेनर भी अब जान जाती है कि वो दोनों वैम्पायर्स हैं और उनमें से एक डेयरवेल है। दोनों फिर वैम्पायर्स एलेनर को मारने के लिए एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं और तभी क्लेरा उनकी कार से कूदकर सामने की कांच को तोड़ देती है, लेकिन उसका हाथ छूटने के कारण वो गिर जाती है और फिर वो दूसरा वैम्पायर उसे अपनी कार से कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे तो बच जाती है और तुरंत छिप जाती है। इसके बाद वो मोराक को मार देता है और क्लेरा को ढूंढने लगता है, पर क्लेरा उस पर हमला करती है, लेकिन वो दोनों वैम्पायर्स उसे अंत में पकड़ ही लेते हैं। डेयरवेल फिर अपनी कार से एक ब्लेड निकाल कर लाता है जो बीजेंटियम में बना था। वो फिर डेयरवेल को क्लेरा की गर्दन काटने को कहता है, लेकिन डेयरवेल उसी की गर्दन काट कर उसे मार देता है क्योंकि वो क्लेरा को पसंद करता था। इसके बाद वो उस वैम्पायर के शरीर को जलाकर वहां से चले जाते हैं और फिर क्लेरा एलेनर को आजाद कर देती है और फ्रैंक के साथ रहने देती है और फिर वो खुद भी डेयरवेल के साथ चली जाती है। फिर अगले सीन में हम एलेनर को देखते हैं जो फ्रैंक को लेकर उसी आइलैंड पर जाती है, जहां फ्रैंक भी एक वैम्पायर में बदल जाता है और फिर ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।